तो कहाँ थे आप? आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे अपने बॉडी पे नियोन इफेक्ट बनाते हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पिक्सार्ट और पिक्सा प्रो दोनों से एडिट करके देखेंगे और जानेंगे कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है नियोन इफेक्ट बनाने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले से हम लोग चलते हैं पिक्सा प्रो में। ये प्रो वर्जन है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा तो पैसे पे करने पड़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना पिक्चर पिक करते हैं यहाँ से गैलरी से, तो कोई भी पिक्चर पिक कर लीजिए। उसके बाद ये मैक्सिमम साइज रखिएगा, ठीक है, ओरिजिनल साइज। उसके बाद यहाँ स्टिकर पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले ये जो स्टिकर देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग ढूंढेंगे बेसिक शेप्स। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का बेसिक शेप, इस पर हम लोग क्लिक करें, कोई भी क्लिक कर सकते हैं। हम लोग स्टार को क्लिक करते हैं, ठीक है, चूज करते हैं। अब यहाँ पे किसी स्टार को सिलेक्ट मत कीजिएगा। यहाँ जो व्हाइट वाला देख रहे हैं सिर्फ इसमें आउटलाइन है, इनर वाला एरिया पूरा खाली है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ऊपर क्लिक कीजिएगा, डन कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सही जगह पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कि हमारा बॉडी उस स्टार के अंदर आ जाए। ठीक, तो हम लोग इसको कर लेते हैं पहले। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको एडजस्ट करने में सही जगह पे। देखिएगा कि हमारा बॉडी उस स्टार के बीच में रहे। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उस स्टार पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्लिक किए, कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद वो ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए इफेक्ट पे क्लिक करेंगे फिर। ठीक, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ग्लो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना मस्त ग्लो हो गया। ठीक है, आप ऊपर से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चूज करके देखते हैं, ये देखिए इस पर सही नहीं लग रहा, दूसरा येलो करके देखते हैं। चलिए ये भी सही नहीं लग रहा, पिंक ही रहने देते हैं इसको। अब कोई भी कलर जो आपके उस वक्त आपके पिक्चर पे परफेक्ट आ रहा हो। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, ग्लो की कैपेसिटी ऑपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। चलिए ये देखिए हो गया, अब हम ऊपर से डन कर लेते हैं। फिर से हम लोग उसी स्टार पे क्लिक करेंगे, फिर से इफेक्ट में जाएंगे। अब हम लोग शैडो में जाएंगे। ठीक है, ये शैडो है, यहाँ से आप अप्रॉक्स 50 के नीचे रखिएगा, 30, 40, 20। ठीक है, ज़्यादा कीजिएगा तो वो ब्लैक ब्लैक एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कम रखते हैं। आपके पिक्चर पे जितना उस वक्त परफेक्ट आ रहा होगा उतना यूज़ कीजिएगा। ठीक, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी लाइट कम है, फिर से एक बार और ग्लो इस पर देते हैं। ठीक है, तो फिर से उस पर टच करेंगे, फिर से ग्लो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपको जितनी बार कीजिएगा उतना ज़्यादा ग्लो मिलता जाएगा। यहाँ से फिर बढ़ा के देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पिक्चर पे ग्लो ज़्यादा सूट नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग कम ही रखते हैं। चलिए इसको हम लोग अब सेव कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से उस पर टच करेंगे। अब जो हम लोग को बाहर वाला एरिया जो है उसको इरेज करना है, ऊपर वाला एरिया को। ठीक है, तो उस पर फिर से क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ इरेज पार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इरेजर पे जो है उस पर रहने देंगे पहले। ठीक है, उसको जितना ऊपर वाला एरिया होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इसको हम लोग आराम आराम से रिमूव कर लेते हैं। नीचे वाला जो एरिया होगा उसको रहने देंगे। ऐसे नीचे वाला भी रिमूव कर सकते हैं तो ऊपर वाला छोड़िएगा, और ऊपर वाला रिमूव कीजिएगा तो नीचे वाला एरिया छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको पिक्चर को उस स्टार के सेंटर में रखना है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऊपर वाला रिमूव कर रहे हैं, तो हम लोग नीचे वाले एरिया को छोड़ देंगे। तो हम लोग कर लेते हैं आराम से। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि वो जो ग्लो है वो रिमूव नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एड पिक्चर पर जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। इसमें आपको क्या है कि ग्लो जितना मर्जी उतना कर सकते हैं, लेकिन पिक्सार्ट में नहीं कर सकते, आपसे होगा ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा पिक्सार्ट का भी, आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं लास्ट में पिक्सार्ट का भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ओके कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्या, इफेक्ट पे क्लिक करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। वो ग्लो को इफेक्ट पे क्लिक किए, इंसर्ट इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, और जो पिक्चर हम लोग एडिट किए थे उसी को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हम लोग पिक्चर सेलेक्ट किए थे, इसको ओके करते हैं। यहाँ पे क्रॉप है, क्रॉप मत कीजिएगा, जो है ओरिजिनल रहने दीजिएगा। ठीक है, अब आ गया प्लेस पिक्चर, इसको भी ओरिजिनल रहने दीजिएगा, ओके कीजिए वहाँ से। ठीक है, देखिए अब आया कटआउट, कटआउट पर से आपको क्या करना है, इरेज पे जाना है। ठीक है, उसके बाद पूरा को इरेज कर देना, ओरिजिनल जो हम लोग ऊपर से ऐड किए हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का, शो होने लगा। अब हम लोग ब्रश पे जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो जो उस पर ब्रश पे यूज करके हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, वो जो ग्लो वाला है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ से सेंटर वाला ब्रश यूज कीजिएगा। ठीक, ऑपेसिटी कम रखिएगा हमेशा, नीचे आ जाइएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग उसको रिमूव कर देंगे आराम से, जितना जहाँ जहाँ पे हम लोग का ग्लो होगा। तो ये हम लोग पूरा रिमूव कर दिए ग्लो को, देख लीजिए, ये देखिए हो गया।
अब हम लोग ऊपर से डन कर लेते हैं। यहाँ पे सेव कटआउट को नो कीजिएगा, ठीक है, हो गया। यहाँ से सेव करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट पे आइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ और एग्जांपल दे देते हैं, मतलब एडिट करने के लिए। तो अपना ये ओरिजिनल पिक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ से फिर से स्टिकर पे आइएगा, वो जो स्टार वाला जो था हम लोग का थंबनेल में दिखाते हैं हम आपको, यहाँ से ये ट्रायंगल लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल में वैसे ही कोई यूज मत कीजिएगा, यहाँ आउटलाइन वाला यूज कीजिएगा जिसका इनर एरिया खाली हो, ठीक है। ये देखिए ऐसा हम लोग इससे बनाएंगे, ये जो पिक्चर साइड में देख रहे हैं हम लोग इसे बनाएंगे इससे, ठीक है। तो ये पहली बार इसको पहले आप एडजस्ट कीजिएगा आराम से, इसमें एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी का डुप्लीकेट लेंगे, ठीक है। ये तो एडजस्ट हो गया, अब हम लोग उसको मूव करेंगे नीचे की तरफ, वो दो हो गया, ठीक है। अब इसको रोटेट कर देंगे हम लोग, इस स्टार बनाएंगे, ठीक। इस स्टार में क्या है, पूरा आउटलाइन है, उसमें सिर्फ इनर वाला आउटलाइन नहीं था, सिर्फ आउटर आउटलाइन था, ठीक है, आउटर वाला लाइन था, ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उस पार्ट को रिमूव करेंगे यहाँ पे इरेज पार्ट पे आके, जैसे हम लोग पहली तरफ किए थे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे तेज करते हैं, क्योंकि आराम आराम से कीजिएगा आप लोग अगर इस तरीके का ग्लो बनाना होगा तो। इसमें हम लोग ग्लो करके दिखाए नहीं है, सिर्फ आपको शेप बना के दिखा दिए हैं, और जो जो अच्छा है वो मैं इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से एक हो गया, आप दूसरा पे सेलेक्ट करेंगे, इसको भी टच करेंगे, कहीं पर भी टच कीजिएगा, ये ऑप्शन आ गया इफेक्ट, यहाँ से इरेज पार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हम लोग इसको आराम आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी ऊपर वाले एरिया को हम लोग रिमूव कर देंगे और नीचे वाले एरिया को रहने देंगे। तो सेम प्रोसेस से आप वैसे ग्लो कीजिएगा, फिर से अगर ग्लो वाला रिमूव नहीं होगा तो उसको आपको ऐड पिक्चर पे सेम प्रोसेस से कर लीजिएगा। ये हो गया, एक दूसरा फिर से दिखाते हैं। तो ये हम लोग का ओरिजिनल पिक्चर। अब नीचे आते हैं, नीचे में होगा आपको ये मार्क्स वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये पर मस्त लगता है ये वाला, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाते हैं एडिट करके। यहाँ पे देखिए आउटलाइन ब्लैक है, तो इसको टच कीजिएगा ऊपर में, ये देखिए आउटलाइन कलर को व्हाइट कर दीजिएगा, पूरा व्हाइट हो गया। ये देखिए इससे हम लोग ऐसा पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पिक्सआर्ट में, अब आपको दिखाते हैं पिक्सआर्ट से क्या है, ठीक है। तो पिक्सआर्ट में आ गए, ये हम लोग का ड्रॉ ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले ड्रॉ में आने के बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, ये व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये शेप पे क्लिक करेंगे। शेप पे कोई भी सा शेप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा शेप दिया हुआ, इसमें स्टार का दिया हुआ देखिए, ठीक है। तो हम ये सर्किल यूज कर लेते हैं, सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इरेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर, उसके बाद जो इनर वाला या आउटर वाला जैसे उसमें किए थे कोई भी इरेज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग इरेज कर दिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेयर पे एक इम्पैटी लेयर लेंगे, ऊपर से इम्पैटी लेयर ले लिए, ठीक है। अब इम्पैटी लेयर पे उसके बाद हम लोग उस पर ब्रश पे क्लिक करके कोई भी कलर चूज करेंगे, पहले ये कलर हम लोग पिंक ले लिए। उसके बाद यहाँ खुद से ड्रॉ करना पड़ता है आपको, कलर को पूरा मार्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप सही से नहीं कर सकते हैं, ग्लो जो है उसमें क्या था कि जितना एरिया में आपको ग्लो देना था वो कर सकते हैं, फेडिंग उसमें अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको नॉर्मल को स्क्रीन कर देंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसी से बनाइए, इसमें आपको सही से आप नहीं बना सकते हैं, देखिए कैसा है, ठीक है। तो यहाँ से सेव कर लेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।